तो देखिए बच्चों, आगे हम स्टार्ट करते हैं 10.4 एक्सरसाइज। उससे पहले कुछ दो थ्योरम हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमने प्रूफ नहीं कर दी उन थ्योरम को, क्योंकि उनका सीधा डायरेक्टली उन पे वेस्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और वो भी आपके एक वर्ड प्रॉब्लम वाली प्रूफ है, तो इस टाइप की थ्योरम एग्जाम में नहीं दी जाती। तो देखिए ये लेकिन क्वेश्चन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझेंगे जरा। यहाँ पे हमें ये दे रखा है एक सर्कल और एक सेगमेंट है जिसे हम पी क्यू कह रहे हैं। इस पे तीन एंगल बने हुए हैं, वो तीन एंगल हैं 1, 2, 3। तो जब आपके किसी सर्कल एक ही सेगमेंट पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो आपने देखा कि भाई एक ही सेगमेंट पे बनने वाले सभी एंगल बराबर होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी अगर हम लिखें तो लिख देंगे हम एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही सेगमेंट पे बनने वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अब देखिए एक थ्योरम, तो आपने ये देखा कि एक ही सेगमेंट पे जो भी एंगल बनेंगे वो सभी बराबर होंगे, चाहे वो कैसे भी क्यों ना बने। एक मान लीजिए मैं ये भी बना देता हूं, तो ये एंगल 4 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सभी एंगल बराबर होंगे। अब जरा हम ये समझते हैं कि यहाँ पे एक दूसरी थ्योरम के बारे में जानते हैं। ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमेशा याद रखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर is 180। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 होता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी, ये वाला भी एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। तो आपने देखा, देखिए कि भाई कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम, ये इसके अपोजिट एंगल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई क्वाड्रिलेटरल जो किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, किसी सर्कल के अंदर बना हुआ है। तो डी और बी का सम 180 है, ए और सी का सम 180 है, 180 है। तो ये हमें हमेशा प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो ये एक थ्योरम के तौर पर या फिर आप प्रॉपर्टी के तौर पर इस थ्योरम को याद रखेंगे, ठीक है। तो दो थ्योरम जो मैंने आपको बताई जो इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होनी है वो है आपकी 1, 2, 3, 4। जब एक ही सेगमेंट पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता था, देखिए यहाँ पे अगर मैं एक एंगल यहां बना दूं, ये एंगल हो गया 4, तो ये भी बराबर ही होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। तो एक ही सेगमेंट पे बनने वाले सभी एंगल बराबर होंगे, और साथ ही साथ दूसरी जो हमारी जो प्रॉपर्टी थी या जिसे हम थ्योरम कह देते हैं, जिन्हें हम प्रॉपर्टी के तौर पे याद कर रहे हैं, वो ये है कि वन और सी का सम 180 होगा, बी और डी का सम 180 होगा, क्योंकि ये एक सर्कल है, इसके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगलों का सम 180 होता है। तो अब क्वेश्चन समझते हैं जरा हम। 10.5 एक्सरसाइज है ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में गिवन है वो ये है,
देखिए ये समझते हैं, यहाँ पे मुझे जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि AOC, ये जो AOC आर्क है और मतलब AC जो आर्क है उसके द्वारा बनने वाला एंगल 60+30 है और हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें फाइंड करना है फाइंड एंगल ADC। तो ADC हम कैसे फाइंड करें, तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये पूरा एंगल एंगल ए, सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 1। तो AOC जो एंगल होगा वो होगा हाफ ऑफ AOC को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं 60+30, क्योंकि AOC मींस ये वाला भी एंगल और BOC भी एंगल। AOC ये कंप्लीट एंगल है जो 60+30 के सम के बराबर है, तो इट विल बी AOC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने 90 फाइंड आउट किया, तो ये एंगल जरा आप देखेंगे तो ये सेंटर पे बना है, एंगल डी जो है वो रिमेनिंग पार्ट्स पे बना है, तो ये हाफ होना चाहिए। देन एंगल ए डी सी इक्वल टू हाफ एंगल ऑफ एओसी, ए डी सी आधा होगा इस एंगल से, तो ए डी सी अगर आप फाइंड करोगे तो जो आपका एओसी है उसे आधा कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ए डी सी एंगल जो है वो आ जाएगा 45। लेकिन आपको यहां थ्योरम के बारे में लिखना होगा, एंगल ऑन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सर्कल, एंगल ऑन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सर्कल इज हाफ डेट ऑफ डेट ऑफ एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो ये थ्योरम जरूर तो मेंशन कर देंगे एग्जाम में कि भाई एंगल जो है रिमेनिंग पार्ट्स वाला एंगल ये सेंटर के एंगल से डबल होगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स का जो एंगल है वो आधा होगा, अगर ये 90 हो चुका है तो ये इसका हाफ मतलब 45 होगा। तो ये बेसिक थ्योरम पे ही बेस्ड है, तो आप सीधा भी कह सकते थे, वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये एंगल कितना होगा, वन वर्ड में अगर पूछा जाएगा तो आप सीधा देखेंगे कि भाई इन दोनों का सम 90 हुआ तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 से आधा ही होगा। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको रहने दो। देखिए क्वेश्चन 2 जो है ये समझते हैं जरा हम, यहाँ पे ये कहा जा रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, कोई कॉर्ड है सर्कल की वो रेडियस के बराबर है, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क इज आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो देखिए जरा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये आपका कोई सर्कल है, तो ये कोई कॉर्ड ले लेते हैं जो इसकी रेडियस के बराबर है, तो ओ ए बी। ठीक है, ये कोई रेडियस है और ये भी रेडियस ही होगी और ये कॉर्ड है, तो इसका मतलब ये तीनों लाइनें आपकी बराबर हैं। तो अगर ये तीनों लाइनें बराबर हैं तो हमें ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ माइनर आर्क और मेजर आर्क। देखिए ये जो है आपकी ये लाइन जो है यहां से यहां तक का ये तो मेजर आर्क है, इसका मतलब हमें डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि ये वाला एंगल क्या होगा और ये भी पूछा जा रहा है कि ये एंगल क्या होगा, इसका मतलब इसे हम मेजर आर्क कहेंगे, तो मेजर आर्क पे बना एंगल क्या होगा और ये जो है ये माइनर आर्क है इस पे बना एंगल क्या होगा, तो इसे हम नाम दे देते हैं एम और ये एन। तो हमें एंगल एम और एन को फाइंड आउट करना है, तो जरा इसे हम सॉल्व करते हैं।
बाकी ये गिवन है हमें कि ये रेडियस दोनों बराबर, ये तीनों साइड बराबर हैं तो ये क्लियर है, ये एंगल 60 होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें जो दे रखा था एक सर्कल और रेडियस और कॉर्ड जो है बराबर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो चुका है। अब इस कॉर्ड के द्वारा ऊपर बनने वाला एंगल और नीचे बनने वाला एंगल जो है कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए ये क्लियर है कि ट्रायंगल एओबी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ए ओ बी ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं। जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं या जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एंगल हमेशा हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल भी 60 ही होगा। अगर ये 60 है तो ऊपर वाला एंगल 30 होगा। तो सीधा हम बता सकते हैं कि भाई एंगल ए एम बी, जो ए एम बी है वो आपका कितना होगा, ये हम कह सकते हैं हाफ एंगल ए ओ बी। तो ए एम बी इक्वल टू हाफ ए ओ बी, मतलब 60 था तो 60 का हाफ कर दीजिए ए एम बी, ए एम बी एंगल जो है वो 30 होगा। तो थोड़ा लिख भी देंगे एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट। Remaining parts of circle. ठीक है, तो ये लिख देंगे रिमेनिंग पार्ट्स का एंगल है जो सेंटर के एंगल से आधा होगा। तो अगर ये 60 है तो ये आधा होगा, तो हम सीधा लिख सकते थे 30। अब देखिए, अब मुझे फाइंड आउट करना है एंगल एन। तो एंगल एन को हम कैसे फाइंड आउट करें ये हमें समझना होगा। तो लिखेंगे यहां पे एंगल एम प्लस एंगल एन will be equal to 180। भाई एंगल M और एंगल N का सम जो है 180 होगा। ठीक है, किस प्रॉपर्टी पे हम ऐसा कह रहे हैं? तो ये देखिए, मैंने थ्योरम बताई थी कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना है। एक दो चार साइडें हैं इसकी और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180। तो एंगल ऑन सीधा लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो एंगल एम तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं 30 प्लस एंगल एन, इसे हमें फाइंड आउट करना है। एंगल एन की वैल्यू निकाल दीजिए 180 माइनस 30, तो एंगल एन आ जाएगा आपका 150 डिग्री, यही आंसर होगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने यहाँ पे देखा। तो 10 पॉइंट देखिए बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। पहले थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में फिगर गिवन है आपकी बुक में ही, तो इसमें हमें यहाँ पे एंगल क्यू बता रखा है 100 डिग्री है और फाइंड आउट करना है आपको एंगल BDC। आपको BDC, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, आपको ये वाला जो है फाइंड करना है एंगल OPR, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें एक हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ये इसको नाम दे देते हैं Q और M दे देते हैं। तो लिखना चाहो लिख देंगे आप ड्रॉ और एंगल, ड्रॉ एंगल PMR एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एंगल PMR। तो देखिए ये आपने एंगल ड्रॉ किया, ये बेसिकली इस वजह से ड्रॉ किया है क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहता हूं मैं इसको, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। ये देखिए सेंटर में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब ही बनेगा जब ये सर्कमफेरेंस को टच करें, सर्कल की बाउंड्री को टच करें। तो ये 100 है तो ये हो जाना है
80 डिग्री, कितना हो जाना है 80 डिग्री, ये हमें पता है बाय द साइक्लिक थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगलों का सम जो है वो वन मतलब अपोजिट साइड के एंगलों का सम 180 होता है। तो लिख देंगे एंगल क्यू, यहां से सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन हम यहां से कर रहे हैं, तो एंगल क्यू प्लस एंगल एम इक्वल टू 180। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम हमेशा याद रखेंगे जो होता है 180। तो अभी मुझे ये तो दे रखा है 100 डिग्री और ये नहीं दे रखा, तो m निकालना है मुझे दोनों का सम 180। 100 को उधर शिफ्ट करेंगे, एंगल m इक्वल टू 180 माइनस 100। तो ये हमने देखा कि एंगल m जो है वो 180 माइनस 100 होगा। अब आप लिख सकते हो 100 m, एंगल m इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल m हमने निकाला कितना 80 डिग्री। तो इसके मदद से हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट्स का एंगल है और ये सेंटर का एंगल है, तो सेंटर का एंगल डबल होगा रिमेनिंग पार्ट्स के एंगल से। तो आप लिखेंगे एंगल पी ओ आर, पी ओ आर जो है, पी पी ओ आर वाला जो एंगल है ये डबल होगा टू एंगल एम, पी ओ आर इक्वल टू एंगल एम की वैल्यू जो है वो 80 थी, तो पी ओ आर जो है वो 160 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे एंगल ऑन द सेंटर, ये सीधा वही प्रॉपर्टी वैसी, एंगल एंगल ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ, और ये प्रॉपर्टी आप लिख देंगे 10.8 वाली जो थ्योरम आपने की थी, कि भाई ये जो आपका एंगल है 80, ये हमेशा मतलब ये जो ये और ये अपोजिट एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में पहले हमने बताया 180 होगा, जिससे हमने 80 इसको निकाला था। फिर इसके बाद हमने ये वाला एंगल बताया, क्योंकि अगर ये 80 है तो सेंटर का एंगल डबल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल हमने डबल कर दिया। अब जरा हमें यहाँ ये बताना होगा कि देखिए अभी थोड़ा मुझे यहाँ, इसके बाद यहाँ से हम कर रहे हैं, तो ये समझते हैं जरा, ये हम 180 तो निकाल चुके हैं, ओ पी और ओ आर जो है ये रेडियस है किसी सर्कल की, तो हम कह सकते हैं रेडियाई ऑफ ऑफ अ सर्कल ऑफ सेम सर्कल, तो ये बराबर होंगी। देखिए ये जो है मैंने आपको बताया, ये वाली लाइन OP OR ये दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस है, तो ये इनके द्वारा बनने वाले एंगल, जिसे आप एंगल 1 और इस एंगल 2 कह सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अपोजिट साइड के एंगल भी बराबर होते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपने देखा कि भाई ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो हम इस ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल पी ओ आर, और इसमें बताइए 1 प्लस 2 प्लस एंगल ओ का सम जो है वो 180 होगा। अब एंगल 1 और 2 जो एंगल है दोनों बराबर हैं, तो 2 को मैंने 1 ही लिख दिया, एंगल ओ हमें दे रखा है 160 इक्वल टू 180, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो मैंने एंगल 2 को 1 पुट अप किया। मैं इस ट्रायंगल में चल रहा हूं पी ओ आर, पी ओ आर जो है 1 ओ और 2 इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो 2 को हमने 1 लिखा, 2 को 1 लिख दिया हमने, क्योंकि दोनों ही एंगल हमने ऊपर प्रूफ किए हैं बराबर थे। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 एंगल 1 इक्वल टू 160 इक्वल टू 180। तो 160 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो 180 माइनस 160, तो 2 एंगल 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 20, आप इससे कैंसिल कर सकते हो, एंगल 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 10 डिग्री। तो आपको एंगल 1 ही निकालना था, देयरफॉर एंगल 1 को हम क्या कह रहे हैं, एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री। तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, फिर मैं आगे देखूंगा।
देखिए बच्चों, अब हम ये देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो 10.5 का है। तो इसमें देखिए हमें एक सर्कल गिवन है और ये जो सर्कल है यहाँ पे दो ट्रायंगल इसके अंदर फॉर्म्ड हो रहे हैं, जो है एक बी ए सी और एक बी डी सी। तो ये एंगल है 60, ये है 31। तो इसमें हमने देखिए सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है वो बताया गया एंगल बी डी सी। फाइंड एंगल बी डी सी, हमें बी डी सी एंगल को बताना है क्या होगा। बी डी सी एंगल मतलब बी डी सी ये वाला एंगल। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले देखिए ये 69 है, ये 31 है, तो हाउ मच विल वी इट, ये कितना होगा आप बता सकते हैं। तो इसे हम निकालेंगे एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ये फिगर गिवन था आपको, तो ये 69 है, ये 31 है, तो इसे आप बता सकते हैं कितना होगा। तो आपको पता है इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होगा। तो बी 69 प्लस ए मुझे पता नहीं और एंगल सी 31 है इक्वल टू 180। इसको ऐड कर देंगे हम तो इट विल बी, ये देखिए ऐड कर देते हैं 10 100 प्लस ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 100। तो एंगल ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 80 डिग्री। एंगल ए कितना होगा 80 डिग्री, क्योंकि देखिए अब एंगल ए तो मैंने फाइंड किया क्योंकि तीनों एंगल का सम ए बी मतलब ए बी सी तीनों का सम 180 होना था, दो एंगल ये वन थे, तीसरा एंगल सम, एंगल सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी से मैंने फाइंड आउट किया एंगल ए की वैल्यू 80 आई। तो देखिए अगर ये 80 है तो ये भी 80 ही होगा, तो एंगल डी जो है वो ए के बराबर होगा, वो भी 80 ही होगा। क्यों 80 होगा ये, क्योंकि दोनों ही एंगल एक ही सेगमेंट पे बने हुए हैं, एक पे बने हुए एक एक सेगमेंट पे बने हुए एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एक सेगमेंट पे बने हुए एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो ये आपने देखा कि भाई एंगल डी ए जितना है उतना ही डी होगा, वो हो जाएगा 80। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि भाई ए बी सी तीनों का सम आपने निकाला 180 होगा, जिसमें ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे कितना 80, जो ए की वैल्यू होगी वही डी की वैल्यू होगी क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट पे बने हुए एंगल हैं। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ, अगला क्वेश्चन 5 देखेंगे, तो वो समझते हैं जरा हम। देखिए इसमें जो 5 क्वेश्चन है इसमें हमें फाइंड आउट करना है फाइंड एंगल बी ए सी। देखिए बी ए सी मतलब बी ए सी ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ये वाला एंगल, इसको हम एंगल 1 कह देते हैं, इसको एंगल 2 कह देते हैं, इसका मतलब हमें एंगल ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है ए, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे एंगल 1 प्लस 130 सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन का। तो देखिए ये वाला ये फिगर हमें बुक में दे रखा था, तो 130 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई 130 प्लस एंगल 1 का सम 180 होगा, क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल 180 के होते हैं। तो हमने एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, 180 130 को इधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल 1 आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल 1 50 आ चुका है, तो लिखेंगे इसमें इन ट्रायंगल डी ई सी। देखिए अब ये छोटा जो ट्रायंगल है डी ई सी, जो डी ई सी ट्रायंगल है इसमें अब हम एंगल सम वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 20 डिग्री। ये 20 डिग्री दे रखा है ये वाला सम जो एंगल है। तो अब देखिए 1 भी मुझे पता है 50 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180।
जरा आप ऐड करेंगे इसको और इसको, इट विल बी 70 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। तो देखिए आपको पता था ये एंगल 50 था, 50 और 20 को हमने ऐड कर दिया, 50 और 20 को ऐड किया तो 70 हो जाएगा। 70 को उधर शिफ्ट कीजिए और एंगल 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एंगल 2 की वैल्यू 110 मतलब 110 आएगी। तो ये वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, एंगल 2 की वैल्यू 110 है। अब इसके बाद आप ये कह सकते हैं एंगल 2 एंड एंगल 1 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट पे बनने वाले एंगल है। तो देखिए 2 और 1 अगर बराबर हैं तो इसका मतलब एंगल 2 एंगल 1 जो है 1-2 इक्वल है, तो ये 110 होगा। देयरफोर हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 110। तो ये आप लिख लेंगे एंगल 1 की वैल्यू होगी कितना, 110। यही आंसर होगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन है और इसमें हमें ये कह रखा है कि भाई ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया। फिर वो कह रहे हैं कि इसके अंदर DBC वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री है, वो 70 हमने लिख दिया। फिर हमसे ये कहा जा रहा है कि BAC ये जो एंगल है ये 30 है, ये आपको गिवन है बुक में कि भाई एंगल DBC 70 है और एंगल BAC 30 है, और ये गिवन है कि AB और BC इक्वल है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहले अगर देखिए ये इक्वल है, इफ AB इक्वल टू BC, हमें देखिए दो चीज़ें निकालनी है, BCD मतलब ये एंगल है BCD, ये पूरा एंगल क्या होगा, और फिर हमें निकालना है ECD और ये आधा एंगल क्या होगा। इसका मतलब है हमें पहले ये पूरा एंगल निकालना पड़ेगा, फिर ये क्या होगा ये बताना होगा, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव है सी को निकालना, फिर ये वाला एंगल निकालना। तो देखिए सबसे पहले अगर AB इक्वल है BC के, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो एंगल है एंगल BAC एंगल बराबर होगा एंगल BCA के, मतलब ये वाला जितना एंगल होगा ये भी उतना ही एंगल होगा, ये जो है आपका एंगल 30 डिग्री, तो इसे हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल 30 डिग्री, क्योंकि आप लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमने देखा ये भी 30 है ये भी 30 है। तो देखिए अगर मैं ये कहूं कि ये एंगल 30 है, ठीक है, और आपका ये वाला एंगल अगर 70 है तो ये एंगल भी 70 ही होगा, तो इसे बता दीजिए आप एंगल CAD इक्वल टू एंगल D, ये जो एंगल था D, ये BCD जिससे आप कितना कह सकते हो CBD। देखिए ये CBD जितना एंगल है वही एंगल CAD होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सेगमेंट है DC पे एक एंगल ये भी बना है B और एक एंगल AB बना है, तो ये दोनों 70 ही होंगे, 70 डिग्री लिख सकते हैं आप। तो आप प्रॉपर्टी लगाएंगे एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट पे बने हुए एंगल, ये और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये 70 है ये भी 70 होगा और ये दोनों CD एक ही सेगमेंट पे बने हुए हैं। तो अगर ये 70 होगा तो इससे मैं कह सकता हूं एंगल A जो है वो होगा कितना, 70 प्लस 30, कंप्लीट एंगल A निकाला मैंने, वो हो जाएगा 100 डिग्री, कितना होगा 100। अब हमें पता है वी नो
कि भाई एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। देखिए एंगल ए और एंगल सी का सम 180 होगा, तो आप बता सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए तो हमें पता है 100 डिग्री है, प्लस ये सी इक्वल टू 180। तो अब जरा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 180 माइनस 100, तो एंगल सी हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल सी हो चुका है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री हो चुका है, तो देयरफॉर हमें ये एक एंगल निकालना था बी सी डी, देयरफॉर एंगल बी सी डी जो निकल चुका है बी सी डी वो है 180 डिग्री। ऐसे अब मुझे एंगल ई सी डी निकालना है, ई सी डी तो ई सी डी जो है वो आपका कितना होगा, तो ये 80 डिग्री एंगल है ये वाला पूरा, ये पूरा एंगल कितना है 80, और उसमें से आप 30 माइनस कर दीजिए, 30 माइनस करेंगे तो ई सी डी हमें मिल जाएगा। देखिए ये पूरा एंगल जो है ये है आपका 80, और इसमें से आपको अब ई सी डी मतलब ये वाला एंगल निकालना है ये, तो आप कैसे निकालेंगे 80 में से, क्योंकि पूरा एंगल 80 था उसमें से आपने 30 माइनस कर दिया, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये होगा आपका 50 डिग्री, और हमें ये एंगल, ये दो एंगल निकालने थे, तो ये आप लिख लेंगे नंबर। हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्सेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल। देखिए ये कह रहे हैं कि कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है जो आपके सामने ये है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, ठीक, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इसके डायगोनल जो है वो डायमीटर है सर्कल के, इसका मतलब ये सेंटर से जरूर जाते होंगे, ये सेंटर है और ये भी सेंटर है, ठीक, तो सर्कल जिसका सेंटर ओ है और ए सी और बी डी डायमीटर है, तो हमें प्रूफ करना है कि अंदर बनने वाला जो फिगर है, अंदर बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल होगा। तो देखिए रेक्टेंगल होगा तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहां लिख देंगे गिवन अ सर्कल विद डायमीटर विद डायमीटर्स ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी डायमीटर है। टू प्रूफ, प्रूफ जो है हमें ये करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है। देखिए प्रूफ, प्रूफ में एक काम करना है आपको, ये लिखना है देखिए सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि अगर ये डायमीटर है तो सेंटर का जो एंगल है वो 180 होगा, कितना होगा 180। इफ एसी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, अगर सर्कल का डायमीटर है तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180, तो ए ओ सी एंगल 180 होगा, और जिससे अब मैं कह सकता हूं कि ये एंगल, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट्स पे बना, ये सेंटर पे बना था, सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट्स पे आधा होता है, तो एंगल बी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, तो एंगल बी जो है वो आधा हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल बी 90 होगा। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एंगल, अगर हम सिमिलरली सीधा कह सकते हैं, सिमिलरली आप अगर ये वाला डायमीटर, ये वाला एंगल 180 बताएंगे तो ये 90 होगा, अगर आप ये डायमीटर मानेंगे, ये वाला एंगल 180 दिखाएंगे तो ये 90 होगा, तो आपको सीधा लिख देना है कि भाई एंगल सी एंगल डी एंगल ए ऑल आर 90 डिग्री, अगर सभी एंगल 90 हैं तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल।
तो समझ लीजिए एक बार ये कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये दो डायगनल ड्रॉ कर दिए हैं क्योंकि दे रखा था ये डायगनल जो है ये इसके जो डायमीटर है सर्कल के लिए सेंटर ओ है इसका, तो हमें प्रूफ करना है ये अंदर बनने वाला कोऑर्डिनेटर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा। तो अगर ए सी डायमीटर है तो ये एंगल 180 होगा, अगर ये 180 होगा क्योंकि ये सेंटर का एंगल है तो रिमेनिंग पार्ट्स का एंगल आधा हो जाएगा, तो आप जरूर लिख देंगे यहाँ पे एंगल ऑन रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ अ सर्कल इज हाफ टू द एंगल ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये 90 होगा, अगर ये 90 होगा तो आप ये कह सकते हैं सी डी ए ये भी सब 90 होंगे, ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ हुआ, तो आप लिख लेंगे इसको। तो देखते हैं बच्चे ये अगला क्वेश्चन है 8, समझते हैं इसको जरा। क्वेश्चन में कहा गया है इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इफ अ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूफ इट इज अ साइक्लिक। तो देखिए कोई हमारे पास ट्रेपेजियम है किसी सर्कल के अंदर, हमने कंसिडर किया कि ये बंद है क्योंकि हमें इसे साइक्लिक प्रूफ करना है। तो मैंने ये कंसिडर किया कि जो ये आपका साइक्लिक मतलब ये जो ट्रेपेजियम है इसकी नॉन पैरेलल साइड जो है इक्वल गिवन है यहाँ पे, और ये हमने कंस्ट्रक्शन की है कि ए एम जो है ए एम और बी एम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए सी डी पर। तो देखिए हमें ए बी सी डी को साइक्लिक प्रूफ करना है, ट्रेपेजियम को साइक्लिक प्रूफ करना है। तो ये वैसे सर्कल बनाना जरूरी नहीं था लेकिन मैंने बना लिया है, तो क्योंकि हमें इसे साइक्लिक प्रूफ करना है। साइक्लिक मीन्स ये सर्कल के अंदर बंद है, तो इसके लिए हमें ये दिखाना होगा इनके अपोजिट एंगल का सम 180 है, अपोजिट एंगल का सम 180 हमें दिखाना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमें गिवन है यहाँ पे ट्रेपेजियम गिवन है और ए डी जो लाइन है वो बी सी के इक्वल है। अब जरा देखेंगे जो परपेंडिकुलर जो कंस्ट्रक्शन की है ए एम को मैंने परपेंडिकुलर के तौर पे ड्रॉ किया है सी डी पर, ऐसे बी एम को भी, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। तो सॉल्यूशन समझते हैं जरा। देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्क्रीट दिखाऊंगा प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले आप बता दीजिए कि ए बी और बी सी इक्वल है, ये गिवन है ए डी और बी सी ये आपको गिवन है कि ये दोनों लाइनें बराबर हैं, ये गिवन था। ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल बताई गई थी। अब जरा देखेंगे यहां पे इसके बाद हम ये कह सकते हैं ए एम और बी एम ये भी इक्वल है, तो ये क्यों इक्वल है ये जरा समझना होगा हमें, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है इनके बीच, क्योंकि ट्रेपेजियम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल होंगी तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस बराबर होता है। अगर मान लीजिए मैंने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की, अब मैं कोई भी जो लाइन इनके बीच में ड्रॉ करूं सबकी लेंथ बराबर होगी, तो ऐसे ही इन दोनों की लेंथ भी बराबर होगी क्योंकि इनको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे बना दें तो ये बराबर नहीं होगी, लेकिन अगर सभी लाइनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो उन सबकी लेंथ बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। अब बता देंगे एम जो है एंगल एन के बराबर है ईच 90, क्योंकि एंगल एम और एन ये 90 डिग्री पर है, तो इससे अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल बी सी एन के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए थे ए डी एम एंड ट्रायंगल बी सी एन, और इनको हमने कॉन्ग्रेंट दिखाया। कैसे दिखाया, सबसे पहले बी डी एडी ये वाली लाइन है,
ये दोनों इक्वल हमें गिवन थे, और बी एम पैरल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, एंगल एम और एन 90 डिग्री पर थे। तो ये हमने देखा कि ए डी एम जो कॉन्ग्रेंट होगा बी सी एन के, तो इसके बाद हम कह सकते हैं भाई एस ए एस रूल। अब आप ये भी कह सकते हैं एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल डी और सी बराबर होंगे बाई सी डी सी डी। ठीक, तो एंगल ये दोनों बराबर होंगे। अब साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो, यहां भी एक एंगल बना लीजिए, इसको मैं एंगल वन कह रहा हूं और ये एंगल है टू। तो एंगल वन और एंगल टू, नहीं अभी बंद कर दिया, अच्छा तो एंगल वन और एंगल टू जो है वो आपके ये भी बराबर होंगे, तो ये एंगल बराबर होंगे बाई सी पी सी टी। तो लिख देंगे आप एंगल वन इक्वल टू एंगल टू बाई सी पी सी टी। और ये तो क्लियर है कि ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। तो अब आप यहां कह सकते हैं कि भाई एंगल ये 90, ये 90, इधर भी ये 90 है, तो आप ये लिखेंगे, ये वाला जो एंगल है एंगल वन देखिए यहां लिखेंगे आप एंगल डी प्लस एंगल सी, लिख देंगे वी नो, हमें पता है कि भाई सभी एंगल का सम डी प्लस सी या आप ऐसे भी लिख सकते हो हाँ डी प्लस सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई, इन सभी का सम 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री होगा तो आप तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि देखिए डी सी बी और ए, तो इसकी जगह हम ये ले लेते हैं जरा कि एंगल ए वी नो, रहने देते हैं वी नो, एंगल ए या एंगल वन भी लिख सकता हूं मैं, एंगल वन प्लस एंगल डी प्लस एंगल एम, लेकिन ये अंदर वाला एंगल एम, तो मतलब इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ए डी एम, तो देखिए ए डी एम ट्रायंगल के अंदर वन डी एम का सम जो है वो होगा आपका 180 डिग्री। तो ये देखा आपने, इसका सम इसका सम इसका सम 180। तो देखिए अब वन की जगह मैं टू भी लिख सकता हूं, एंगल टू प्लस एंगल डी, और एंगल एम की जगह एंगल बी भी लिखा जा सकता है 180, बिकॉज एंगल वन बराबर एंगल टू एंड एंगल एम बराबर एंगल बी, एंगल एम और एंगल बी इक्वल है क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। तो अब ये हमने देखा कि भाई मैंने यहां पे टू को वन की जगह टू सब्स्टिट्यूट किया, एम की जगह बी सब्स्टिट्यूट किया, अगर एंगल डी प्लस एंगल टू प्लस एंगल बी आपस में मिल जाए, बी टू एंगल और बी एंगल ये दोनों मिल जाए, तो ये जो है आपका कितना कंप्लीट एंगल बी बन जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो एंगल डी प्लस एंगल बी, मतलब मैं पूरा एंगल बी नहीं ले रहा था, मैं ये वाला एंगल जो 90 है ये हमने लिया है,
तो ये वाला एंगल प्लस ये एंगल आपका बन जाएगा कितना, तो इसको हमें बी नहीं लिखना चाहिए, तो इसको ये लिख दीजिए एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी लिखेंगे इसको हम, ए डी सी, ए बी एन, सॉरी ए बी एन, इसे हमें ए बी एन लिखना होगा, ए बी एन। तो अब ये देखिए ए बी एन अगर जब ये आपस में मिल जाएंगे एंगल ए बी एन, तो हमने ए बी एन को मिला लिया ए बी एन, और एंगल टू को मिलाया है एंगल टू, तो ये कंप्लीट एंगल बी बन जाएंगे। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो एक बार जरा यहां हम लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, या इट इज, पहले लिखना इट इज साइक्लिक, साइक्लिक अभिरुचर, हेंस प्रूव्ड। एक बार आप समझेंगे दोबारा इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा पूछा जाता है, जो टफ क्वेश्चन होते हैं वही एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, एक हमें सर्कल दे रखा, मतलब सर्कल तो नहीं, ट्रेपीजियम दे रखा था, और इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्शन की, ए एन ड्रॉ किया, बी एन ड्रॉ किया, और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इनको परपेंडिकुलर मानते हुए कि ये सी डी पर परपेंडिकुलर है, तो आपको इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। इसका मतलब बी और डी का सम 180 या फिर ए और सी का सम 180। तो आप कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे, तो आप ए डी एम वाला ट्रायंगल लेंगे और बी एन सी वाला ट्रायंगल लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाया भाई, ए डी और बी सी ये गिवन थे हमें ऑलरेडी कि नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम की बराबर है, वो हमने लिखा है यहाँ पे। फिर ए एम, ए एम और बी एन जो है वो भी आपको, ये दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंसेस थे, ये भी बराबर है, एंगल एम और एंगल एन भी बराबर है, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इससे हम कह सकते हैं एंगल सी और एंगल डी भी बराबर होंगे, एंगल सी और एंगल डी ये दोनों भी बराबर होंगे बाई सी पी सी टी, क्योंकि जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो ये भी बराबर होंगे। तो एंगल वन और टू भी बराबर होंगे बाई सी पी सी टी से, क्योंकि ये भी दूसरे दो ट्रायंगलों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर इसके बाद अब यहां समझते हैं वी नो, अब मैंने यहां पे ए बी एम इन एंगलों का सम 180 है, तो एंगल वन, एंगल डी, एंगल एम इनका सम 180 है, तो मैंने वन की जगह टू लिखा, क्योंकि हम वन को टू लिख सकते हैं, और एंगल एम जो है, एंगल एम इसको हम जरा ये लिखेंगे एंगल ए बी एन, इसका मतलब एंगल ए बी एन हमें लिखना होगा, ए बी एन, ए बी एन मतलब ये वाला एंगल ए बी एन। तो अब इन तीनों मतलब इसको जब हमने रिप्लेस कर दिया एंगल टू और इससे, तो रिप्लेस किया, तो जब टू और ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे तो ये एंगल टू बन जाएगा, एंगल बी बन जाएगा, ये वाला एंगल और ये एंगल जब एक साथ रखे जाएंगे एंगल बी बनेगा, और हमें पता ये 180 के बराबर है, तो D प्लस बी जो है 180 के बराबर है, तो इट इज साइक्लिक होगा, यही आपने प्रूव करना था। देखिए बच्चों, 9 क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दे रखी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव है, और यहाँ हमें ये समझना है कि ये जो है आपका दो सर्कल जो दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पूरा गिवन है आपको, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है ए सी पी, ए सी पी जो एंगल है ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर है QCD के, तो इसे मैं 1 और 2 में जरा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो इसका मतलब आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिखाना है कि वो इक्वल है, और जरा मैं इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4 कह देता हूँ। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करें, तो लिखेंगे प्रूफ। देखिए सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि एंगल वन और एंगल थ्री बराबर होंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्योंकि ये एक सेगमेंट ए बी पर बने हुए हैं, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ये एक ही सेगमेंट पे बने हुए एंगल वन और थ्री बराबर होंगे, और ये किस सेगमेंट पे बने हैं, एंगल ऑन सेम सेगमेंट ए पी,
एपी पे बने हुए एंगल हैं ये 3 and 1, ऐसे ही आप लिखेंगे एंगल 2 and angle 4, ये आपस में बराबर होंगे, इसमें भी यही एंगल ऑन सेम सेगमेंट डी क्यू, ये डी क्यू पे बनने वाले एंगल हैं 2 और 4, ये भी बराबर होंगे। अब आप ये कह सकते हो एंगल 3 और angle 4 भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये बराबर होंगे। तो अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1st, 2nd and 3rd, 1st, 2nd, 3rd, तो देखिए हमें 1 और 2 को बराबर करना था तो ये सभी एंगल आपस में बराबर हो गए क्योंकि 1 इक्वल है 3 के, 3 इक्वल है 4 के, 4 इक्वल है 2 के, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यही हमने प्रूफ करना था। तो एक बार समझ लेते हैं कि देखिए ये हमें 2 सर्कल दे रखे हैं, सारी चीज़ बनी हुई है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन टाइप में की है लेकिन कंस्ट्रक्शन लिखना नहीं है आपको ये। तो अब एंगल 1 और 3 ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि एक ही सेगमेंट पे बने हुए एंगल हैं ये दोनों, ऐसे ही 4 और 2 भी बराबर होंगे, ये भी एक ही सेगमेंट पे बने हुए हैं, फिर आप ये कह सकते हैं 3 और 4 बराबर होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल में। तो इससे ये पता चलता है 1st, 2nd and 3rd कि 1 और 2 भी बराबर होंगे, तो ये लिख सकते हैं आप। तो देखिए बच्चों ये है हमारा 10th क्वेश्चन, इसमें हमें गिवन है 2 सर्कल्स, देखिए 2 सर्कल हैं और एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल की 2 साइडों पर 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है, एक तो मतलब ये वाली साइड है ए बी, और ये ए बी जो है डायमीटर है ऐसा दिया जा रहा है आपकी बुक में, और ए सी जो है वो भी डायमीटर है इस सर्कल का, तो इसका मतलब 2 सर्कल बने हुए हैं, 2 साइड जो ट्रायंगल की हैं और वो डायमीटर की तरह बिहेव कर रही हैं यहाँ पे सर्कल के लिए। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो तीसरी साइड है उस पर कोई पॉइंट डी लाई करता है, ठीक है, तो डी लाई करता है या हम ये कह सकते हैं कि कॉमन कॉर्ड जो है इस पे परपेंडिकुलर है। देखिए कॉमन कॉर्ड मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक, तो मुझे यहां पे ये प्रूफ करना है कि डी पॉइंट जो है बीसी लाइन पर है। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे जरा समझना है, ठीक है, हमें जो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं, इफ 2 सर्कल ड्रॉन टेकिंग 2 साइड ऑफ ट्रायंगल एज अ डायमीटर प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द 3rd साइड। देखिए हमें प्रूफ करना है कि भाई दो कोई ट्रायंगल जिसे डायमीटर मान के हमने एक सर्कल बनाया, दूसरा ट्रायंगल जिसे डायमीटर मान के हमने एक सर्कल और बनाया, तो ये दोनों सर्कल जो हैं ये मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी पॉइंट पर डी पर, और ये डी पॉइंट बी सी पर लाई करेगा, ये हमें प्रूफ करना है कि डी पॉइंट जो है बी सी पर है। तो देखिए प्रूफ के लिए सबसे पहले हम ये कह सकते हैं If AB is a diameter, अगर AB diameter है सर्कल का, तो मान लीजिए यहाँ सेंटर होगा O, इसका सेंटर मान लीजिए O डैश है, तो इसका मतलब ये तो एंगल 180 हो गया, तो ये एंगल होगा 90, देन एंगल D इक्वल टू एंगल D, या इसे आप ये कह सकते हैं कि एंगल 1, और इसे एंगल कह दीजिए 2, देन एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट्स पे बना हुआ है या सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल हमेशा 90 होता है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। एंगल ऑन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सर्कल के रिमेनिंग पार्ट्स पर बनने वाला एंगल है, क्योंकि ये 180 होगा, डायमीटर है तो ये 90 हो जाएगा, ऐसी एंगल सिमिलरली जो एसी है, एसी भी डायमीटर है, एसी इज अ डायमीटर, इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, एसी जो है डायमीटर है तो एंगल 2 भी 90 होगा, इट विल बी इक्वेशन 2। अब लिखेंगे ऑन एडिंग, और इसमें भी आपको यही प्रॉपर्टी लिखनी होगी, एंगल ऑन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है,
10.8 थी लॉन्ग। तो यहां हम देखेंगे कि ऑन एडिंग, मैं जरा ऐड कर देता हूं ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 प्लस 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बन जाएंगे आपके बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर बी डी, तो ये जो है आपका अगर ये 180 है ये पूरा एंगल, तो क्लियर है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। देन बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है एंड डी लाइज ऑन बी सी, और डी जो है लाई करता है बी सी पर। तो ये प्रूफ, तो एक बार समझ लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक दो सर्कल जो एक दो ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल की दो साइडों पर बने हुए हैं और ये इंटरसेक्ट करते हैं आपकी तीसरी साइड पर जाकर, जो पॉइंट मैंने डी लेट किया है। ये हमें प्रूफ करना है कि डी पॉइंट जो है इस लाइन बी सी पर होगा। तो अब यहाँ पे हम मानेंगे कि ए बी अगर कोई डायमीटर है तो ये एंगल 180 होगा और सेंटर का एंगल है क्योंकि ये, और ये फिर 190 हो जाएगा डायमीटर, ये वाला है सेंटर का एंगल है, ये रिमेनिंग पार्ट्स का एंगल है, तो ये 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल जो है आप ये कह सकते हैं इसी तरीके से कि ए सी जो है वो भी डायमीटर है तो ये भी 90 ही होगा। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 2 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि बी सी एक स्ट्रेट लाइन है और डी पॉइंट यहीं लाई करता है। तो देखिए बच्चों ये 11 क्वेश्चन है, तो इसे समझते हैं कि हमें यहाँ पे देखिए एक सर्कल दे रखा है और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि मतलब यहाँ पे वैसे तो आपके दो ट्रायंगल बने हुए थे, ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल हैं उनका बेस एक ही है ए सी, बी और डी पॉइंट यहाँ पे, मतलब एक ये वाला ट्रायंगल एक ये वाला ट्रायंगल, तो इनका बेस एक ही है ए सी। तो हमें जो है वो प्रूफ करना है सी ए डी, सी ए डी ये वाला जो ट्रायंगल है, मतलब सी ए डी ये वाला जो एंगल है वो सी बी डी के बराबर है। तो एक बार हम ये देखते हैं, ये सर्कल और इसके अंदर दो ट्रायंगल बने हुए हैं जिनका कॉमन बेस है एक, दो ट्रायंगल बने हुए हैं जिनका बेस कॉमन है ए सी। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है ये सी बी डी के बराबर है। तो देखिए सी बी डी, इसका मतलब एक लाइन मुझे यहां से ड्रॉ करनी होगी, ये फिगर हमने खुद बनाना होगा ये, तो सी बी डी हमें इसके बराबर इसको प्रूफ करना है। तो बहुत क्लियर है, आप सीधा लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। क्यों बराबर होंगे, आप लिख सकते हैं एंगल एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट पे बनने वाले एंगल हैं, देयरफॉर ठीक है ये और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। और हमें यही प्रूफ करना था कि सी ए डी एंगल ए ही सी ए डी है, एंगल बी ही सी बी डी है, ये बराबर होंगे हैं। तो आप एक बार देख लेते हैं कि ये वाला एंगल और ये, देखिए बच्चों यहाँ पे मेरे पास है एक ए बी सी डी साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो ये साइक्लिक जो पैरेललोग्राम है तो इसमें हमने प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो इसको देखिए मैं कैसे प्रूफ करूंगा, सबसे पहले रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो मुझे ए बी सी डी इन एंगलों को 90 डिग्री में 90 डिग्री दिखाना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो प्रूफ ये क्लियर होगा कि ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंगल ये आप कह सकते हैं कि क्योंकि 180 इनका सम ये अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम 180 होता है, इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए बट लेकिन हमें यह भी क्लियर है कि ए और सी
ये एंगल हमेशा बराबर होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के हमेशा बराबर होते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे सी को ए ही लिख देते हैं, पुट कर देता हूँ, पुट एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, तो ये हो जाना है ए प्लस ए इक्वल टू 180। मैंने यहाँ पे सी की जगह ए पुट अप कर दिया है, तो इसे हम लिखेंगे टू एंगल ए इक्वल टू 180, एंगल ए इक्वल टू 180 डिवाइड बाई टू, आप कैंसिल कर सकते हो, एंगल ए इक्वल टू आ जाना है 90 डिग्री। Therefore, angle A equal to angle C equal to 90 degree. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि A, B, C, D is a rectangle. तो एक बार समझते हैं, देखिए हमें यहाँ पे एक cyclic parallelogram दे रखा था, मतलब एक सर्कल के अंदर parallelogram बंद है और हमें प्रूफ करना है कि ये एक rectangle है। तो A plus C जो है, A plus C का सम 180 होगा, ऐसा हमें गिवन है। ए और सी जो है आपस में बराबर भी होंगे, मतलब ये जो है ए प्लस सी, क्योंकि अपोजिट एंगल है साइक्लिक पैरेललोग्राम के, तो ये हमेशा इनका सम 180 होता है। ए और सी जो है, ए और सी ये आपस में बराबर भी होंगे क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर भी होते हैं क्योंकि हमें पैरेललोग्राम तो गिवन ही था। ए और सी जो है ये अगर बराबर हैं तो मैं पुट अप कर देता हूं यहाँ पे सी की जगह ए को पुट अप कर देता हूं, तो ये भी एंगल ए प्लस एंगल ए, दोनों एंगल ए हो जाएंगे, जिनको हम ऐड कर सकते हैं टू एंगल ए, टू को डिवाइड में शिफ्ट कर देते हैं तो एंगल ए की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो एंगल ए अगर 90 है, सी भी 90 होगा, ऐसे बी और डी भी 90 होंगे, तो हम कह सकते हैं कि भाई ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है, और यही हमें प्रूफ करना था। हैंस तो आप लिख सकते हैं इसको।